खाकी पर फिर लगा दाग। फिरोजाबाद में पुलिस की प्रताड़ना से दलित महिला की मौत। फिरोजाबाद के थाना पचोखरा के गांव इमलिया में शनिवार देर रात पुलिस की प्रताड़ना से दलित महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला के पति ने गांव के 3 नामजद और 2 अन्य के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसपी सिटी का कहना है कि पुलिस जेल से छूटकर आए अभियुक्तों के घर जांच पड़ताल के लिए गई थी। महिला पहले से ही बीमार चल रही थी। महिला की तबीयत और बिगड़ने पर उपचार के लिए फिरोजाबाद ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस अभिरक्षा में वृद्धा का अंतिम संस्कार कराया गया है। थाना पचोखरा के गांव इमलिया निवासी फोरन सिंह जाटव के गांव के ही कैलाश चंद्र उपाध्याय के परिजन के साथ विगत 23 मार्च को आलू की खुदाई के हिसाब को लेकर झगड़ा हुआ था। घटना में राहुल आनंद जितेंद्र फोरन सिंह गोपी चंद्र जेल गए थे। शनिवार को 4 आरोपी राहुल जितेंद्र आनंद और बंटू जमानत पर छूट आए थे। परिजनों के मुताबिक पुलिस द्वारा फिर से गिरफ्तार ना कर लिए जाएं, इसलिए वे भय से घर में नहीं सोए थे। इस बीच रात 12 बजे थाना पचोखरा पुलिस और गांव के कैलाश उपाध्याय और उनके पुत्र दीपक व शिवकांत और 2 अन्य लोग घर पर आ धमके। परिजनों का आरोप है कि जेल से छूटकर आए लोगों के न मिलने पर पुलिस ने परिवार की महिलाओं के साथ प्रताड़ना की और उनके साथ खराब व्यवहार किया। इस बीच शारदा देवी पत्नी फोरन सिंह की हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस वृद्धा को ये कहते हुए गाड़ी में डालकर ले गई कि अभी सांस चल रही है। वृद्धा की मौत की जानकारी होने पर परिजन और ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंच गए। पोस्टमार्टम के बाद जब वृद्धा का शव गांव लाया गया तो परिवार में कोहराम मच गया। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए एसएसपी ने टुंडला पचोखरा नारखी पुलिस को तैनात कर दिया। देर शाम पुलिस अभिरक्षा में वृद्धा का अंतिम संस्कार किया गया। मामले में फोरन सिंह ने कैलाश उपाध्याय, उनके पुत्र दीपक, शिवकांत और 2 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसटीसीटी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि अपराधी के जमानत पर छूटकर आने पर उनकी गतिविधियों को चेक करने के लिए पुलिस उनके घर जांच पड़ताल करने जाती है। पुलिस के वहां पहुंचने पर बीमार चल रही वृद्धा की तबीयत और बिगड़ गई थी, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। परिजन के आरोपों के चलते वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ वृद्धा का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर पर 5 ग्रामीण व थाना पचोखरा पुलिस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।